अपने व्याकुलता में कुछ कुछ बक रहे हैं कि जनता के सामने मेरा भी कुछ टीआरपी बना रहे। ये अखिलेश यादव को उस पर सलाह देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हमको तो लगता है कि वो विधानसभा पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है उनके लिए। पहली बार आज इतनी अच्छी स्थिति इस देश में किसानों की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। इतिहास से लुप्त हो गए थे स्वतंत्रता सेनानी, वो सब लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को महिलाओं के लिए वो इतना सर पीट रही थी, लेकिन राजस्थान में जो घटना घटी है उस पर वो एक शब्द भी उनका बयान नहीं आया है। उम्मीदवारों की 107 लोगों की सूची जारी की है, उसमें योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने नगर से लड़ाने की बात कही गई। इस पर अखिलेश यादव ने हमला बुलाया, कह रहे हैं कि बीजेपी ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है उनके पास। वो परिणाम भी जानते हैं और रिजल्ट भी जानते हैं, तो अपने व्याकुलता में कुछ कुछ बक रहे हैं कि जनता के सामने मेरा भी कुछ टीआरपी बना रहे। वो वहाँ से सांसद भी थे, उनका वो मतलब वो समझिए कि ट्रेडिशनल सीट था जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे। पार्टी जहाँ से जिसको उपयुक्त समझता है वहाँ से लड़ाती है। ये अखिलेश यादव को उस पर सलाह देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अखिलेश यादव अपने पार्टी का और अपना सीट का ख्याल करें कि हम कैसे जीतेंगे। हमको तो लगता है कि वो विधानसभा पर पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है उनके लिए। अभी तक केंद्र ने न तो एमएसपी पर कोई कमेटी बनाई है और न ही इस पर हमसे संपर्क किया है। सरकार ने उस एमओएस को नहीं हटाया जिसका बेटा लखीमपुर खीरी कांड में शामिल है। अगर सरकार हमारी मांगों का जवाब नहीं देती है तो हम 31 जनवरी को विरोध दिवस मनाएंगे। युद्धवीर सिंह जो है भारतीय किसान संघ के नेता, उन्होंने यह आह्वान किया है। देखिए, केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ा है और उसको पता है कि देश के किसानों को क्या चाहिए और उसके साथ क्या करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रति वो जिम्मेवार हैं, किसानों के प्रति उत्तरदायी हैं और सहृदय भी हैं। वो किसानों के लिए रात दिन काम करते हैं। वो किसान के विकास के लिए रात दिन लगे हैं इस देश में, और पहली बार आज इतनी अच्छी स्थिति इस देश में किसानों की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। देखिए, इतिहास में बहुत ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको पूर्ववर्ती जो लंबे काल तक सरकार रहे हैं वो छोड़ दिए थे और अपने पारिवारिक स्वतंत्रता सेनानियों का ज़्यादा भाव दिए। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इतिहास से लुप्त हो गए थे स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी जिनके बल पे हम आज़ाद हुए हैं, वो सब लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है और वो इतिहास को पुनः एक बार जीवंत बनाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 11 जनवरी के राजस्थान के अलवर बलात्कार मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को इस पर कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। महिलाओं के लिए वो इतना सर पीट रही थी, लेकिन राजस्थान में जो घटना घटी है उस पर वो एक शब्द भी उनका बयान नहीं आया है। उस पर जाना मुनासिब नहीं समझी, कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझी। कांग्रेस की दुरंगी नीति, नियत और नेतृत्व विहीन पार्टी की यह एक झलक है।
मामलों का चरम आ गया है, देखते हैं कब गिरावट शुरू होती है। लगता है मामलों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य ने कोरोना के मामले कम होने पर यह बात कही है। वहीं भारत में ताजा आंकड़े जो है 268,000 दर्ज किए गए हैं कोविड पॉजिटिव के, जिसमें 6,000 ओमिक्रॉन के मामले हैं। माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में और उनके ये सोच का परिणाम है कि आज पूरे देश में वैक्सीनेशन हो गया। लोग कह रहे थे कैसे वैक्सीनेशन होगा, आज जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका परिणाम भी आपके सामने है। आज उसी परिणाम का नतीजा है कि मामले तो बढ़े, लोग जागरूक भी हुए, लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको नहीं भुगतना पड़ा। हम मानवता को बचाने में, देश को बचाने में सफल हुए हैं और सावधानी ही इसका इलाज है। ज़्यादा वैक्सीनेशन और मास्क और इसमें सावधानी, ये बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम इससे बचाव में बहुत हद तक सफल हुए हैं। ABP News, आपको रखे आगे।